हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है करीब सुबह के चार बज रहा होगा और यहाँ पर देखिए मैं अपने पैरों को रंग रही हूँ मैं अपने घर से आ गई थी बहुत सुबह ही मैं आज उठ गई थी तो नहा धो के तैयार होकर और मैं घाट जाने के लिए पूरे अच्छे से तरीके से तैयार होकर आ गई थी और आज है छठ पूजा का सुबह का अर्घ तो फ्रेंड्स आज ही इस पूजा का आप मतलब पूजा पूरा संपन्न हो जाएगा आज और आज है छठ पूजा का सुबह अर्घ देख के फिर पारण होगा तो फ्रेंड्स ये चार दिनों से चल रहा है ये पर्व ये छठ पूजा ना महापर्व हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और झारखंड बिहार का प्रमुख त्यौहार में से एक है और ये देखिए मैंने फिर सब सब लोग पैर रंगे थे मैं ही बस नहीं रंगी थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी रंग लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने पैरों को रंग लिया और उसके बाद अच्छा लगता है पैरों को रंगना और वैसे अच्छा नहीं लगता है पूजा पाठ में पैरों को रंगना बहुत शुभ माना जाता है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बस अभी हम लोग ना निकलने का ही रेडी कर रहे थे पर मैं मैं तो तैयार हुई थी बस अब दौरा लेकर निकलने का बस निकल ही रहे थे तो अभी देखिए मैं बाहर आ गई हूँ और बस अभी हम लोग जाएंगे घाट हमारे घर से घाट काफ़ी दूरी पर है पर अभी मैं पैदल जाऊंगी शाम को जब मैं आई थी ना तो ऑटो से आई थी क्योंकि हमें लेट हो गया था तो फिर ऑटो से मैं आधे रास्ते तक आई फिर हम लोग मतलब ज्वाइन हो गए तो बस यहाँ पर देखिए अब हम लोग निकल गए हैं घर से और घर से काफ़ी दूर भी आ चुके हैं तो अभी हम लोग को पैदल चलते चलते करीब आधा घंटा हो गया है और कम से कम डेढ़ घंटा मतलब कि पौने दो घंटा तो लगा ही था हमें घाट पहुंचने में चलते चलते जा रहे चलते जा रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था पता ही नहीं चला इतना लंबा रास्ता हम लोग पैदल चल के आ गए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सूर्य देवता का यहाँ पे जगह जगह में इस तरह से आ, मतलब कि छवि बना हुआ है और इसी तरह मतलब पूरे रोड को सजाया गया है काफ़ी दूर तक मतलब कि यहाँ से लेकर काफ़ी घाट तक सजाया गया था तो यहाँ पर देखिए मैंने भी दूध ले लिया है क्योंकि सुबह का अर्घ देना है शाम को अर्घ नहीं देती हूँ सुबह ही अर्घ देती हूँ और क्योंकि ना शाम को फिर दिन भर भूखे रहकर वो अर्घ देने का ना फिर वो आपको व्रत रखना पड़ेगा इसी वजह से तो सुबह तो हम लोग कुछ खाते पीते हैं नहीं तो सुबह अर्घ दे देते हैं और बहुत भीड़ रहती है शाम को जितना भीड़ रहता है ना उससे डबल ट्रिपल भीड़ सुबह रहती है क्योंकि सुबह सब लोग ही अर्घ देते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक और यहाँ पर देखिए अभी देखिए कितना भीड़ हो गया है जैसे जैसे हम लोग घाट पहुंचने के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इतना भीड़ होते जा रहे हैं पूरा बहुत मज़ा आ रहा था और यहाँ पे ना देखिए आशी मेरे साथ आ रही है आदित्य भी उठ गया था फिर वो ना नहाने के चक्कर में फिर सो गया वो आया ही नहीं तो फ्रेंड्स देखिए और मतलब मैं आसी ही आए थे और आशी के पापा और आ, वो अंस और आदित्य घर पर थे आदित्य का बहुत मन था पर वो आया ही नहीं और फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो यहाँ पर इतनी सुंदर लाइटिंग यहाँ पे हुई थी ना लग रहा था ना कि शादी ब्याह में हम लोग जा रहे हैं शादी का फंक्शन कुछ हो ऐसा और यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको वो मतलब कि सजाया गया था पूरे रोड को और ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ होगा शायद इतना बहुत दूर तक सजावट वही लोग कर सकते हैं पिछले वीडियो में आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आपका आवाज़ क्या क्या हो गया है तो फ्रेंड्स मेरा जो आवाज़ है ना दिवाली के टाइम से ही ना मैंने जो पानी का काम किया था तो उसी टाइम से ना मेरा मुझे ठंड लग गई है और बस सर्दी खांसी कुछ भी नहीं था बस गला बैठ गया था फिर गला से मेरे ना कुछ भी आवाज़ ही नहीं निकल रहा था फिर खांसी हुई तो खांसी हुई तो उसके बाद मैं बोलने लगी और अभी तक आवाज़ मेरा मतलब गला बैठा है तो वो ठीक नहीं हुआ है तो फिर मैं ना कुछ भी दवाई वगैरह खाती हूँ ना तो फिर मेरा उल्टा ही रिएक्शन होता है इसीलिए ना मैं काढ़ा बना के पीती हूँ तो सुबह शाम काढ़ा बना के पीने से ना मेरी खांसी ठीक हो जाती है और मुझे मैं दवा खाती तो मेरे पे उल्टा असर होता है सूट ही नहीं करता है अंग्रेजी दवा या सिरप वगैरह मेरा और बढ़ जाता है मतलब खांसते खांसते मैं थक जाती हूँ और काढ़ा पीती हूँ ना तो उससे अगर छाती में जितना भी कफ़ वग़ैरह है वो ना मतलब कि ठीक हो जाता है काढ़ा पीने से तो यही है और मुझे सर्दी जुकाम था नहीं बस खांसी ही था तो उसी का असर है कि गला ख़राब हो गया है यहाँ पर देखिए हम लोग घाट पहुंच गए थे घाट में फिर हम लोग जहाँ शाम को अपनी ही जगह पर आ गए हैं फिर दौरा वगैरह खोले और अभी ना मैं यहाँ पर आ रही थी अर्घ देने के लिए तो फिर ना वो बहुत भीड़ थी मैं मतलब कि अगर एक कदम भी आप पानी पे रखते हो ना तो सीधे दो फीट का गड्ढा है तो फिर मैंने अपनी साड़ी ऊपर उठा के फिर मैं जा जाड़िया अभी अर्घ दे लेती हूँ क्योंकि मैं इतने दूर से आई हूँ तो यही करने के लिए आई हूँ तो फिर किसी भी तरह से आ, मैं अर्घ दे लेती हूँ फिर साड़ी पूरा भेज गया था मैं थोड़ा सा पकड़ी हुई थी फिर नीचे मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ था ना तो जो वर्तधारी महिला जो मेन होती है जो तीन दा तीन दिन तक उपवास रखी है जो सूप का अर्घ देती है ना उनको अर्घ देना है दिलवाना है तो फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर मैंने अपनी मेरी साड़ी भीग गई तो सबके ही जो जो नीचे पानी पे उतरे थे सबके कपड़े भीगे जाते हैं पर उस इस, इसका भी फीलिंग अलग है बहुत मज़ा आता है बस थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है इतना भीड़ नहीं होना चाहिए फिर ना भीड़ में पूजा पाठ अच्छे से नहीं होता है और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी मैं अर्घ दे के आ गई हूँ और ये देखिए और जो सूप के नीचे से गिरता है ना अर्घ उसे मैं एक गिलास में लेकर आ गई और ये देखिए मेरे चेहरे पर इतना भीड़ था कि सब लोग ऐसे एक मतलब हो ही जाता है तो अभी मैं अपना चेहरा पोंछ लेती हूँ और ये अर्घ ही मेरे सर पे गिरा था छठी मैया का आशीर्वाद के रूप से और यहाँ पर देखिए मैंने वही गिलास में थोड़ा सा ले ली हूँ घर तक ले जाऊँगी वो बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितने ऊपर तक सूर्य देवता उग चुके हैं उगते हुए सूरज का हम अर्घ देते हैं और आप देखिए धीरे धीरे सब लोग अब थोड़ा मतलब कि घाट खाली हो रहा है सब लोग अब अपने अपने घर जा रहे हैं और अभी हम लोग देखिए अभी हम लोग का पूजा नहीं होता मतलब सब लोग पहले अर्घ देते हैं सुबह का उगते हुए सूरज को और उससे पहले पानी में खड़ा होकर इंतजार करते हैं गीत गाते हैं छठी मैया का उसके बाद देखिए थोड़ा सा जैसे ही खाली हुआ ना घाट तो मैं भी सूर्य देवता को जल दे देती हूँ जल चढ़ा देती हूँ और फिर मैं घर जाऊँगी तो लेट हो जाएगा फिर यहीं पर मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लेती हूँ फिर जाते जाते जैसे प्रसाद यहाँ का मिलता है ना सूप का प्रसाद उसे मैं खा लूँगी और फ्रेंड्स देखिए अभी इतना दूर से हम लोग पैदल आए फिर जाएंगे फिर यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी तो वो भी फिर हम लोग प्रसाद खाते जाएंगे इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आ, वो पूजा कर लेती हूँ घाट पर और धूप अगरबत्ती दिखा देती हूँ उसके बाद देखिए अब हम लोग जाएंगे घर और सबके साथ ही जाएंगे और देखिए यहाँ पर ना मैं अभी जा रही थी अयानस के लिए कुछ खिलौने लेने के लिए पर कुछ अच्छा था ही नहीं तो फिर वही ना मतलब शाम को बहुत अच्छे अच्छे खिलौने थे पर ना डबल दाम में दे रहे थे जैसे ऐसे मेला वगैरह में ना आप कुछ भी लेने जाओ तो डबल रेट में ये लोग देते हैं तो फिर एजांस था नहीं अभी मेरे पास तो वो जिद नहीं कर रहा था और फिर देखिए अभी घाट थोड़ा बहुत खाली हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है ना खुला खुला और आए थे तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था तो बस यहाँ पे ना हम लोग देख रहे थे कि कुछ खिलौना पसंद आ जाएगा फिर बच्चे जो घर पे हम लोग छोड़ के आते हैं ना उनके लिए कुछ लेके जाते तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर और फिर बहुत दूर था बहुत ज़्यादा ही दूर था फिर हमने सोचा कि आ तो गए सबके साथ अब जाएंगे तो फिर चली जाएंगे तो यहाँ पर फिर भूख भी लग गई थी तो हमने कुछ नाश्ता पानी कर लिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिल गई थी और उन्होंने मुझे पहचान लिया तो देखिए आ ये हैं ये मेरे वीडियोस देखते हैं तो बस यहाँ पर मैं भी इनका वीडियो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और यहाँ पर देखिए आशीन ने एक बैलून लिया और ये जो गैस वाला बैलून मिलता है ना वो वाला है और यहाँ पर देखिए फिर हमें ना टोटो मिल गया था फिर हम लोग टोटो में बैठ गए नहीं तो इतना दूर है इतना दूर है न फिर टोटो में मिल गया तो फिर बहुत अच्छा हुआ बहुत राहत मिली पता फ्रेंड्स पाँच छः सात किलोमीटर दूर होगा मेरे घर से और हम लोग चलते चलते सुबह पता ही नहीं चला ऐसा होता है ना पर्व में यहाँ पर देखिए मैंने सोचा कि सब बच्चे और हस्बैंड सब सोए होंगे पर ये लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सात ही बज रहा होगा सात सात बजे कुछ मिनट हो रहा था तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं बेल बजाई ना ये लोग आ ही गए थे लग रहा था ना कि मेरा ही ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर देखिए अभी मैं क्या बनाऊँगी वही सोच रही थी नाश्ता में तो मैंने सोचा ना कि अभी डायरेक्ट ना आज चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि खांसी है ना तो खांसी में चावल नहीं खाया जाता है तो मैं बनाऊँगी ये तुरई और चना की सब्जी और पराठे तो वही बनाने के लिए फिर बहुत सारी तुरई आज हुई थी और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा खीरा भी हो रहा है इस खीरे की बेल में इतनी सारी खीरा, खीरा छोटी छोटी हुई ना लेकिन सब झड़ गई लेकिन एक ये वाली जो खीरा है ना ये अभी नहीं झड़ी है पहला इसमें खीरा है जो ये एक फल दिया है बाकी सब थोड़ी सी बड़ी होती थी और झड़ जाती थी मतलब इतनी बड़ी फर्स्ट टाइम हुई है तो बस वही मैं आपसे इस शेयर कर रही थी और यहाँ पर देखिए जितनी भी तुरई है ना यहाँ पे वो सब मैं आज तोड़ लूँगी क्योंकि आज मैं इसी की सब्जी बनाऊँगी और बहुत सारी मतलब कि तुरई जो थी ना वो लटकी हुई दिख रही थी यहाँ नहीं बालकनी में अभी मैं आप सबको भी दिखाऊंगी तो अभी ताज़ी ताज़ी सब्जियों को आज मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी ताज़ी एकदम फ्रेश सब्जी घर की सब्जी बनाऊंगी तो बस यही रहेगा और दोपहर का भी रोटी एक ही साथ ही बना लूँगी और सुबह का भी तो बस और आज मुझे इतनी क्योंकि पैदल हुआ है ना आना जाना और आधे रास्ते से फिर हमने टोटो बैठ कर आए घर तो आधे रास्ते तक तो पैदल ही आए हैं तो बहुत ज़्यादा थकान है सुबह भी उठ गई थी जल्दी तो नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है तो वही मैं सोच रही थी सुबह खाना पीना बना के आराम से मतलब सो जाना है दिन में तो यहाँ पर जो ये खीरा की बेल है ना ये झुक गई थी तो मैंने सोचा ना इसको थोड़ा बांध देती हूँ ताकि सहारा मिल जाए इसकी बेल को तो मैंने रस्सी से हल्का सा बांध दिया है तो देखा फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे बालकनी में कितने सारे यहाँ पर तुरई हुए हैं और कुछ हुआ चाहे ना हुआ ये तुरई तो मुझे इतना सब्जी दे रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ मुझे ना हार्वेस्टिंग करना इतना अच्छा लगता है ना और मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब और आज तो सबसे ज़्यादा निकले कभी दो कभी तीन ऐसे निकलती थी आज इतनी सारी निकली है ना इसमें मैं बिना आलू ऐड किए ये मेरी सब्जी बन जाएगी इसमें सिर्फ मैं चना मिलाऊंगी और मैं देख ही रही थी कि कब बड़ी होगी और एक साथ ही ये बड़ी हुई है तो एक साथ ही निकली और यहाँ पर मैं एक और खोज रही थी उस जगह पर पर उस जगह छोटी सी थी वो और बड़ी होगी तो फिर मैंने रहने दिया और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं ना छत के ऊपर ही थी आ, मतलब मैं इससे पहले छत के ऊपर थी क्योंकि बस उधर से आई और मैं ना ऊपर आ गई क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी सुबह मैं गई थी और मैं सॉल भी नहीं लेके गई मुझे लगा कि ठंड नहीं होगी क्योंकि शाम को ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी सुबह लग रही थी और पूरे रास्ते मुझे ठंड लगी तो फिर मैंने अपने आँचल से ही मैं मतलब कि ऐसे कवर करके थी ताकि ठंड ना लगे बचाव हो पर आ, मैं सॉल अगर लेके जाती ना एक तो उतनी ठंड नहीं लगती आने से मैं नहीं लग रही थी जाने से मैं सिर्फ लग रही थी यहाँ पर देखिए ये जो झोला में आप देख रहे हैं ना ये छठी मैया का प्रसाद है तो यहाँ पर देखिए छठी मैया का प्रसाद आ गया जब मैं ऊपर थी लेटी हुई थी तो फिर आसी लेकर आई ऊपर ये प्रसाद तो फिर मतलब कि यहाँ पे ये यह देखिए कितने सारे फल है और ये जो जो चढ़ता है ना वो सब है वैसे तो छठी मैया का सूप में बहुत सारे चीज़ें चढ़ती है यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आंवला भी था और ये क्या है इसका तो नाम ही नहीं पता मुझे ये सब कुछ बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मीठा ऐसे मतलब तो कुछ बोलते हैं इसका आप लोग बताइएगा अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों को खाना था और ये देखिए अदरक आ गया है अभी मेरे ना काढ़ा बनाने में काम आ जाएगा या फिर जैसे मैं खाती ना तो थोड़ा सा अदरक चबाने से बहुत राहत मिलता है गले में तो वो भी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये मेन ठकुआ का प्रसाद ये तो बहुत बहुत आ, खुशी होती है छठ मैया का प्रसाद जब मिलता है फिर एक एक वो जगह से और आया था तो ये देखिए आसी वहाँ से भी लेकर आई थी और फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ किसी के आस्था का मजाक मत बनाया कीजिए जैसे कि हमारे ये रीति रिवाज है बिहार में झारखंड में आप पता लगा लीजिएगा मैं किसी के धर्म में और ना ही किसी के आस्था को मैं कभी किसी का मैंने मजाक नहीं उड़ाया सारे धर्म सारे जो भी है जिस मजहब को मजहब को आप मानते हो जिसकी आप पूजा करते हो मैं भले ही अपने भगवान को पूजा करती हूँ लेकिन मैं सारे धर्म की इज्जत करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी सबकी इज्जत करें जब मैं खन्ना की पूजा वाला ब्लॉग शेयर की थी तो आपने मेरे जो सिंदूर हम लोग लगाते हैं ना नाक से लेकर मांग तक उसका आपने मजाक बनाया था एक कमेंट आया था तो तो आप किसी के बारे में ऐसा बोलने से पहले दस बार सोचें और आपको कुछ नहीं पता हो ना तो बोलने भी ना और आप आपसे तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो ना देखें बस तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग सभी बच्चे मिलकर प्रसाद खा रहे हैं और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी बाय बाय